आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ गई है निकलकर सामने। जी हाँ, आपके पक्ष में जो है हाईकोर्ट ने सुना दिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, हाईकोर्ट का आ चुका है बयान। हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि आपकी नौकरी की जाए पक्की। जी हाँ, जो भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस वीडियो को देखती है लास्ट तक देखिएगा, ये जो है काफी ज्यादा बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए होने वाली है। जी हाँ, आप सभी की नौकरी की जाएगी पक्की। जी हाँ, हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है कि सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारियां सरकारी नौकरी पक्की, मतलब सरकारी नौकरी की हकदार है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, आशा कार्यकर्ता के लिए भी इसमें कुछ खबरी है, क्या है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोनों ही इस वीडियो को देखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। जी हाँ, देखिए हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जितनी भी ये कार्यकर्ता है वो सभी जो है सरकारी पक्की नौकरी की हकदार है। 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका को मिलने वाला है इसका लाभ। इससे होगा 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ। जी हाँ, और जो है ICDS के तहत जो है नौकरी पक्की करने का आदेश जारी। 1967 नियम के अंतर्गत आपकी सरकारी नौकरी होगी पक्की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा एज ए प्रूफ। ओके, और हाँ एक चीज और जो भी आशा कार्यकर्ता, देखिए ये वाली जो कवर थी ऑल इंडिया, यानी जितने भी पूरे भारत के जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता थी उनके लिए थी। और दूसरी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो भी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके मानदेय में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपका मानदेय 15,000 रुपए किया जाएगा मासिक। जी हाँ, मासिक मानदेय जो है 15,000 रुपए आपको दिया जाएगा, जैसा कि आप साइड में देख पा होंगे। ऑफिशियल ट्विटर पर यह पोस्ट करा गया है और साथ में आपको बीमा सुरक्षा का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये सरकार का सबसे बड़ा फैसला था और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।